हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री के कुछ फार्मूलों के बारे में। बहुत ही इजी ट्रिक बताएंगे जिससे आपको याद हो जाएगा। कई बार आते हैं सूत्र लेकिन आपको याद नहीं हो पाते हैं। आपको हम इम्पॉर्टेंट सूत्र ही बताएंगे जो आपके बुक में है और ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वही हम आपको बताएंगे लर्न करने के लिए। ये ट्रिक बहुत ही आसानी से आपको इस सूत्र याद हो जाएंगे। बच्चों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, ये ट्रिक अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आपके दोस्तों भी ये ट्रिक के माध्यम से सूत्र याद कर सकें। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक क्या है? पहला नंबर है जैसे इसमें क्या काली चूनिया, क्या है काली चूना। काली चूना से होता है हमारा, काली से होता है कैल्शियम। क्या होगा काली से? इसका ये हो गया व्यापारिक नाम और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। काली चूना का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अब हम आपको बताएंगे कैसे। काली से हो गया जैसे कि हमारा कैल्शियम, काली चूना याद रखना है। जैसे कि कभी कभी पेपर में दे देता है व्यापारिक नाम, वो व्यापारिक नाम रासायनिक नाम लिखे। कभी कभी रासायनिक नाम दे देता है, पूछ लेता है व्यापारिक नाम बताइए और इनका अणु सूत्र बताइए। तो यहाँ जैसे दिया हुआ है काली चूना, काली चूना से हमारा काली से हो जाएगा कैल्शियम। और चूना जब कहीं भी पान लगाने जाते हैं, पान वाले के यहाँ या पान खाते हैं, तो क्या करते हैं साइड में चूना लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चूना। यानी कहाँ से चूना लगाते हैं? साइड में। साइड से हमारा होगा ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? साइड से ऑक्साइड हो जाएगा, जिससे इसका सूत्र होता है CaO। क्या होगा? CaO। अगला है कास्टिक पोटास। क्या है? कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास से जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा पोटास, पोटास से हो जाएगा पोटेशियम। कास्टिक, कास्टिक से हुआ कष्ट, इसे कष्ट है। पोटास से कष्ट है, यानी पोटास से पोटेशियम, कास्टिक पोटास से कष्ट है। कष्ट है पोटास से, तो वो कहाँ जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा। कहाँ जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा। जब डॉक्टर के पास जाएगा तो किससे कष्ट है उसको? पोटास से। तो पोटास के साइड वाले डॉक्टर के पास जाएगा। कहाँ जाएगा? साइड वाले, साइड से आएगा हाइड्रॉक्साइड। पोटास से पोटेशियम, साइड वाले डॉक्टर के पास जाएगा तो पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। इसका सूत्र होगा KOH। अगला नंबर है हमारा जिप्सम। हमने यहाँ पे दो सूत्र लिए, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम, इसमें दोनों में से एक ही शब्द से दोनों चीज का सूत्र आ जाएगा। जिप्सम जैसे सपोज दैट किसी की जीप, क्या जीप अगर किसी की चुरा ली, सम अलग शब्द है, सम और विषम दो शब्द है। जीप अगर जीप किसी की चुरा ली तो क्या कर देगा? केस कर देगा। क्या कर देगा? केस। अगर किसी की जीप चुरा ली तो उसने क्या कर दिया? केस कर दिया। केस से आएगा कैल्शियम। क्या आएगा? कैल्शियम। सम से हमारा यहाँ होगा सम, कैल्शियम यम शब्द आ गया पूरा। अब हमारा बनता है कैल्शियम जिप्सम। सम अलग शब्द है, सम से हमारा आएगा यहाँ पे सल्फेट। स से सल्फेट। क्या होगा? सल्फेट। अब हमें इसका सूत्र देखना है। यहाँ पे क्या होगा? कैल्शियम का सी ए और सल्फेट का SO4 इंटू इसमें सम। सम शब्द होता है दो चार छः जैसे कि, और विषम अंक होते हैं तीन। तो हमने यहाँ पे क्या पूछा? सम अंक पूछा है। सम शब्द आ रहा है, अब कैल्शियम सल्फेट लिख गया इतना। अब अगर हमारा सम आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? दो, ना कि तीन। तीन विषम हो जाएगा यहाँ पे, सम होगा तो टू। टू क्या होगा? जल के अणु होंगे। तो इसके जिप्सम में दो अणु कितने होंगे? जल के। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कब होगा? प्लास्टर ऑफ, जानते हैं आप, जब किसी की हड्डी या कुछ टूट जाता है तो हड्डी किससे होती है? कैल्शियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम की बनी होती है। तो जैसे हम यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट, इसी से आ जाएगा कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, अर्ध हाइड्रेट। क्या होता है इसका? अर्ध हाइड्रेट।
अनहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट अनहाइड्रेट इसका होता है रासायनिक नाम होता है। तो किसी भी व्यक्ति की यानी आधा से मतलब आधा, जब आधा हाइट अर्ध हाइड्रेट उसकी आधी हाइट का मतलब उसका नीचे का यानी पैर टूट गया, आधी हाइट जब उसका पैर टूट गया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में प्लास्टर करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? प्लास्टर करवाना पड़ेगा तब वो ठीक होगा। यानी अर्ध हाइड्रेट का मतलब आधी हाइट, जब उसको प्लास्टर करवाना पड़ेगा तो यहाँ पे आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिससे होगा इसका कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट इसका नाम होगा। और इसका सूत्र होगा जब जिप्सम को हम 110 डिग्री सेल्सियस में गर्म करते हैं तब क्या होता है CaSO4 क्या क्या बन जाएगा CaSO4 × जब जल को हम गर्म करेंगे तो भाप बनेगा। क्या बनेगा? भाप बनेगा। भाप बन करके जल कितना बचेगा? आधा बचेगा, यानी हाफ H2O। जल गर्म करेंगे तो कितना बचेगा? आधा बचेगा। उबलने पर आधा बचा तो क्या हो गया? हाफ H2O। अगला नंबर है हमारा, अब हमारे ये दो नंबर हैं जैसे कि दोनों से मिलते जुलते हुए हैं, इसमें हम दो शब्द लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे है बुझा चूना और ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? बुझा चूना और ब्लीचिंग पाउडर। बुझा चूना यानी चूना को क्या करते हैं, हम जब कभी दीपावली या कुछ प्रोग्राम होते हैं तो हम पुताई करते हैं चूना। किससे मिलाते हैं चूना को? पानी में। जब चूना को पानी में मिलाएंगे तभी तो पोते के काम आएगा, इसलिए चूना तो पोतने देंगे। इसलिए जब चूना को हम पानी में मिलाना है, चूना हो गया CaO और पानी, क्या करना है? अब इन दोनों को मिला देना, पानी और चूना को जब हमने मिला दिया तब क्या बन जाएगा? चूना बुझ जाएगा, बुझा हुआ चूना हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। क्या हो जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। चूना और पानी को मिला दिया तो क्या बन गया? बुझा हुआ चूना यानी CaOH का होल ट्वाइस। ये होता है इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। अगला नंबर है हमारे, इसमें ब्लीचिंग पाउडर। चूने में ही इसको ब्लीचिंग पाउडर बनाना है। चूने में अगर क्लोरीन बना मिला देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा? ब्लीचिंग पाउडर। चूने में जैसे अब हमने पानी मिलाया तो बुझा हुआ चूना बन गया। अब हम चूने में, चूना क्या होता है? CaO। इसी तरीके से यहाँ पे CaO में जब क्लोरीन मिला देंगे तब क्या बन जाएगा हमारा? ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन गैस मिला देंगे तो क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। यह हमारा रहा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। इसका रासायनिक नाम होगा कैल्शियम, क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ऑक्सी या इसको हाइपो भी बोलते हैं, हाइपो क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड या हाइपोक्लोराइड। चूने से ही बुझा चूना और चूने में क्लोरीन गैस मिला दिया तो हमारा बन गया ब्लीचिंग पाउडर। अब अगले नंबर बताएंगे हम आपको, जैसे कि यहाँ पे अब हमने बताएंगे यहाँ पे धावन सोडा बेकिंग सोडा। अभी हमने आपको बताया सभी में दो दो लिखे थे यानी दोनों आपस में संबंधित होंगे। ये भी धावन सोडा और बेकिंग सोडा भी आपस में संबंधित होंगे। इन दोनों का रासायनिक नाम एक जैसे होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये क्या होता है? धावन सोडा हमारा धोने वाला होता है और बेकिंग सोडा इसको हम खाने वाला सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा। इनका दोनों का रासायनिक नाम लगभग एक जैसे होता है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट और यहाँ पे होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। अब इनके सूत्र क्या होंगे? दोनों के एक जैसे होंगे। सोडियम होता है हमारा Na, इसमें थोड़ा डिफरेंट क्या होता है? NaCO3। और यहाँ भी आ जाएगा
एन ए सी सी ओ थ्री। अब हमने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, इसमें स्पेस नहीं है, यही डिफरेंट है इसमें। जैसे कि हमने यहाँ पे स्पेस दिया, यहाँ पे स्पेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्पेस की जगह में क्या आएगा ये देखना है। धावन सोडा यानी पीने के लिए पानी तो हमें कम ही लगता है, किसमें कपड़े धोने, धावन सोडा होता है धोने वाला सोडा, तो जब इसमें पानी जैसे कपड़े धोएंगे तो हमको बहुत सारा पानी लगेगा, ये पीने के लिए ज़्यादा लगेगा नहीं ना, तो हमको धोने के लिए ज़्यादा पानी लगेगा और पीने के लिए कम पानी लगेगा। जैसे हमें धोने के लिए कपड़े धोना एक अच्छा कितना पानी लगेगा, मान चलो 10 बाल्टी पानी लगना है, कितना लगना है 10 बाल्टी पानी, कितना होता है 10 H2O। क्या है ये 10H2O, 10 बाल्टी पानी लगा, यहाँ पे 10H2 आ गया, यहाँ पे थोड़ा सा पानी लगता है। जैसे हम किसी के यहाँ खाना खाने जाते हैं तो खाना खाने के बाद हम किसी के यहाँ कपड़ा धोने के बाद तो बाय बोलेंगे नहीं, किसी के यहाँ खाना खाने जाते हैं वहाँ से जब निकलते हैं तो जाते समय बोलेंगे बाय जा रहे हैं, कपड़ा धोने के बाद तो बोलेंगे नहीं बाय। जब हम खाना खा के निकलेंगे, खाने वाला सोडा क्या है हमारा बेकिंग सोडा, खाना खा के निकले तो हमने क्या बोला बाय, तो यहाँ पे बीच में क्या आएगा बाय सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट। अब हम यहाँ पे बाई का क्या होता है एच मिला देंगे, क्या मिला देंगे, यानी थोड़ी सी पानी पिया तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा तो हमने क्या मिला दिया हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हमारा है 10 हाइड्रोजन यानी 10 जल के अणु है, 10 जल के अणु है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डेकाहाइड्रेट, इसको क्या बोलेंगे डेकाहाइड्रेट यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, आगे इसमें होगा डेकाहाइड्रेट, क्या होगा डेकाहाइड्रेट। अगला नंबर हमारा चिली साल्ट पिटर, क्या है चिली साल्ट पिटर, ये है हमारा व्यापारिक नाम और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम नाइट्रेट। तो हम इसको कैसे याद करेंगे सोडियम नाइट्रेट को, सोडियम जैसे सपोज दैट हम किसी भी व्यक्ति को चिली यानी चिली सॉस स्वाद होता है खाने में, किसी भी के साथ हम चिली सॉस खा सकते हैं, चिली में मिर्च भी होता है, तो हमने यहाँ पे चिली सॉस मान लीजिए, चिली सॉस खाते हैं तो क्या मिलता है हमको स्वाद, कोई चीज़ खाते हैं तो हमको स्वाद मिलता है, तो स्वाद से क्या आया सोडियम, स्वाद से हमारा बना सोडियम जिससे हमारा सोडियम आ गया, चिली सॉस खाया जिससे हमको क्या मिला सोडियम, स्वाद मिला सोडियम, क्या आया सोडियम से आया हमारा सोडियम। और चिली यानी मिर्च, चिली मिर्च खिलाया किसी को या खाया उस व्यक्ति ने पिटर, चिली खा करके चिली खिला करके यानी किसी भी व्यक्ति को चिली खिला करके साले पीटर माने पीटू का, अगर दिन में पीटेंगे तो सब लोग देखेंगे तो पूछेंगे क्यों, यानी गलती भी की और पीटा भी, चिली यानी उसको मर्च खिलाया और साले को साल्ट में साले को पीटू पीटर यानी कब पीटू नाइट में, नाइट्रेट कब पीटना है नाइट में जिससे आ जाएगा नाइट्रेट यानी चिली खिला के साले को पीटू, स्वाद जब चिली खाया तो स्वाद मिला सोडियम यानी सोडियम बन गया और पीटो नाइट में नाइट्रेट हो गया, क्या हो जाएगा इसका सोडियम नाइट्रेट जिससे इसका सूत्र हो जाएगा यानी NO3। बच्चों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, बाकी के सूत्र हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।